वहीं पोंग बांध के विस्थापित 1500 से ज्यादा परिवारों को जमीन आवंटित करके पट्टी देने के लिए शिविर लगाए जाएंगे और इसकी पहली कड़ी में बीकानेर में 23 और 24 जुलाई को शिविर आयोजित होंगे और पट्टे दिए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश के सीएस विनीत चौधरी के साथ सीएस डीबी गुप्ता और अधिकारियों के सचिवालय में अहम बैठक हुई जिसमें ये बड़ा फैसला लिया गया। पोंग बांध के विस्थापितों को जमीन आवंटित करके पट्टे देने के लिए बीकानेर में 23 से 24 जुलाई को शिविर लगाया जाएगा। ये निर्णय सचिवालय में हिमाचल प्रदेश के सीएस विनीत चौधरी और सीएस डीबी गुप्ता सहित अन्य अधिकारियों के साथ बैठक में तय हुआ। बांध के अब 1673 विस्थापित परिवार बचे हैं जिनके सत्यापन को लेकर विचार विमर्श किया गया। ये भी तय हुआ कि हिमाचल सरकार जिन्हें प्रमाण पत्र देकर भेजेगी उन्हें शिविर लगाकर पट्टे आवंटित किए जाएंगे। इसके साथ ही जैसलमेर और गंगानगर में भी उपलब्धता के अनुसार कैंप लगाए जा सकते हैं। 23 और 24 जुलाई को हम कुछ अलॉटमेंट करेंगे, ऐसे ही अलग अलग जगह जैसलमेर में मुख्यतः मेजर अलॉटमेंट्स होंगे, उसका एक टाइम फ्रेम हमने आज तैयार किया। दरअसल विस्थापितों ने सबसे ज्यादा गंगानगर में भूमि आवंटन की मांग की थी। इस बारे में सीएस डीबी गुप्ता ने हिमाचल प्रदेश के सीएस विनीत चौधरी को साफ किया कि वहां जमीन नहीं बची है, ऐसे में ये तय किया गया कि गंगानगर में उपलब्धता अनुसार जमीन दी जा सकती है और बकाया विस्थापित परिवारों को गंगानगर की जगह जैसलमेर में जमीन दी जाएगी। पोंग डैम के आउस्टीज का जो पुराना मसला चल रहा है उसके ऊपर हमने बातचीत की। सबसे पहले तो हमने विभिन्न समय पर जो निर्णय लिए गए हैं उनके आधार पर हम फिगर्स को रिकनसाइल कर रहे हैं कि एक्चुअल में कितने कितने आउस्टीज रह जाते हैं रिहेबिलिटेशन से, तो उनको गंगानगर बीकानेर जैसलमेर उनमें कहां कहां पर किस तरह से उनका एक टाइम बाउंड हमने प्रोग्राम बनाया है। बांध के कुल 16,100 विस्थापित परिवार हैं, जिनमें से 1673 परिवारों को यानी 11% का जमीन आवंटन बाकी है। राज्य सरकार ने अब तक श्रीगंगानगर में 4,997, बीकानेर में 2,262 और जैसलमेर में 2,768 परिवारों को जमीन आवंटन कर दिया है। बैठक में आज राजस्व सचिव अजिताभ शर्मा और उपनिवेश आयुक्त LN मीना सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। ऋतुराज शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।